हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग ईरोडोव स्कूल ऑफ फिजिक्स। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 250 ऑफ आई ईरोडोव। देखिए ऑथर इस क्वेश्चन में क्या करना चाहते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अ फ्लाई व्हील विद द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट डी एक्सेलरेट ड्यू टू द फोर्स हुज मोमेंट रिलेटिव टू द एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। फाइंड द मीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई व्हील एवरेज ओवर द टोटल डी एक्सेलरेशन टाइम। यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। एक फ्लाई व्हील है जिसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे रखे हैं, जो कि घट रहा है, ठीक है। और उस पर जो टॉर्क लग रहा है, नेट टॉर्क, वो प्रोपोर्शनल है एंगुलर वेलोसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के वो प्रोपोर्शनल है। और कैलकुलेट करना है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी उस पूरे समय के लिए जब तक वो रिटार्डेशन में रहेगा, मतलब जब तक उसका एंगुलर वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तभी तक तो वो रिटार्डेशन में रहेगा ना। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ठीक है। ये होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो टॉर्क का इक्वेशन दिया है, तो टॉर्क का जब इक्वेशन दिया है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का इक्वेशन ओमेगा के टर्म में, ठीक है। और फिर वहाँ से आप एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए, फिर टाइम से डिवाइड करके आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। देखिएगा क्या करना क्या है। टॉर्क जो है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर ओमेगा के, स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना, माइनस ऑफ के रूट अंडर ओमेगा। के कोई कांस्टेंट हो गया, आई अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के बाई माइनस के रूट अंडर ओमेगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया माइनस के बाई आई रूट अंडर ओमेगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। डी ओमेगा बाई रूट अंडर ओमेगा यहाँ पे आ गया माइनस के बाई आई डी टी, रूट ओमेगा से यहाँ डिवाइड कर दिए, अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिख दिए। अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, डी ओमेगा बाई डी टी लिखा जा सकता है। तो रूट अंडर ओमेगा से डिवाइड किए, डी टी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब जीरो टाइम था तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट था, ठीक है। और जब टाइम टी हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, ठीक है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन आ जाएगा। वन बाय रूट अंडर ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट अंडर ओमेगा, है ना। तो ये आ जाएगा टू रूट अंडर ओमेगा एंड ओमेगा नॉट टू ओमेगा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस के बाय आई डी टी का इंटीग्रेशन टी, ठीक है। तो यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन आ रहा है टू, ये आ गया कितने के बराबर, रूट अंडर ओमेगा माइनस रूट अंडर ओमेगा नॉट, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के बाई आई इंटू टी, ठीक है। अच्छी बात है। अब यहाँ से आपको ओमेगा का इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा। एक और बात, वो टाइम क्या होगा कि इसका एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाए, रिटार्डेशन टाइम कितना होगा, वो भी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ओमेगा को जीरो कर दीजिए, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को जीरो कर दिए, तो वो टाइम का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, माइनस टू रूट अंडर ओमेगा नॉट एंड दैट इज इक्वल टू माइनस के बाई आई इंटू टी। तो ये रिटार्डेशन टाइम आ गया, तो टी का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, रिटार्डेशन टाइम का वैल्यू देखिए यहाँ पे, टू आई रूट अंडर ओमेगा नॉट बाई के। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में पुट करना होगा, यही रिटार्डेशन टाइम है। चलिए फिर एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन आया हुआ है, ठीक है। ये कितने के बराबर आ गया, रूट अंडर ओमेगा माइनस रूट अंडर ओमेगा नॉट डैट इज इक्वल टू आ गया माइनस के बाई आई इंटू टी बाई टू, ठीक है। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, ओमेगा प्लस, इससे ज़्यादा अच्छा इसको इस तरफ लेके जाके स्क्वायर कर दीजिए। रूट अंडर ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ओमेगा नॉट प्लस माइनस में आएगा माइनस के बाई टू आई इंटू टी। अब स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आएगा ओमेगा, ये ओमेगा नॉट आएगा प्लस इसका स्क्वायर आएगा, कितना आ जाएगा, प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर आई स्क्वायर, ठीक है।
और माइनस में क्या आएगा, 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, k रूट अंडर ओमेगा नॉट बाय 2i, और 2 तो कैंसिल आउट हो गया था, बाय i इंटू टी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जब आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो फिर आप उसको इस टाइम से डिवाइड करके, ये जो टाइम कैलकुलेट हुआ है इससे डिवाइड करके आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए मैं फाइनल आंसर कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। इसको क्या लिखना है, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा को लिख दिया हमने डी थीटा बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर आई स्क्वायर, ठीक है। माइनस आ गया के रूट अंडर ओमेगा बाय आई टी, ठीक है। अब डी टी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो थीटा जीरो से टी टाइम में इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आएगा ओमेगा नॉट टी प्लस के स्क्वायर फोर आई स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई थ्री, ये आ जाएगा टी क्यू बाई थ्री, ओके। और ये आ जाएगा के रूट अंडर ओमेगा बाय आई, और टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, ये आ जाएगा। ये थीटा का वैल्यू आ गया। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो थीटा बाई टी करना है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो थीटा बाई टी होगा। ये कितने के बराबर आ जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस इसमें से टी चला जाएगा के स्क्वायर बाई फोर आई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई थ्री, एक टी कैंसिल आउट हो चुका है, टी से डिवाइड करना था ना आपको। माइनस क्या आ गया, के रूट अंडर ओमेगा बाई टू आई इंटू टी, ठीक है। टी के जगह पे पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू कितने के बराबर, ये है टी का वैल्यू, ठीक है। तो टी के जगह पे जब आप पुट कीजिएगा तो देखिए टी स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ओमेगा नॉट प्लस के स्क्वायर बाई फोर आई स्क्वायर, और यहाँ पे थ्री है ना, तो वन बाई थ्री, और टी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, फोर आई स्क्वायर ओमेगा नॉट, फोर आई स्क्वायर बाई के स्क्वायर ओमेगा नॉट आ जाएगा ना, फोर आई स्क्वायर ओमेगा नॉट बाई के स्क्वायर, ठीक है। माइनस में आ जाएगा के रूट अंडर ओमेगा बाई टू आई एंड इंटू टी, टी के जगह पे क्या पुट होगा, ये टू आई इंटू रूट अंडर ओमेगा, रूट अंडर ओमेगा नॉट बाई के, ये ओमेगा नॉट, ओके। अब यहां पर देखिए सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक ओमेगा नॉट बाई थ्री बचना है। देखिए फोर आई स्क्वायर से फोर आई स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, रूट के से के कैंसिल, टू आई से टू आई कैंसिल, तो यहां पे ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट बाई थ्री माइनस ओमेगा नॉट बच रहा है वहाँ पे, रूट अंडर ओमेगा नॉट इंटू रूट अंडर ओमेगा नॉट, ये कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर आ जाएगा ओमेगा नॉट बाई थ्री। ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को।